Hi guys, I'm Rohit Sharma. I'm the National Legal Head of SmartKira.com. Let us start with today's SmartKira Current Affairs, January Mock Drill 5.3. Union Culture Ministry has announced that birth anniversary of Subhash Chandra Bose will be celebrated as Parakram Divas or every year on January 23. So, जो भारत की कल्चर मिनिस्ट्री है उसने डिसाइड कर दिया कि पराक्रम दिवस को हर साल जनवरी 23 पे मनाया जाएगा. ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और इसे पराक्रम दिवस का नाम दिया गया है जो जनवरी 23 को मनाई जाती है. नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का रेजिंग डे, यानी कि जिस दिन ये जो फोर्स है रेज हुई थी, इसका 16वां एनडीआरएफ रेजिंग डे है, यानी कि 2006 को एग्जिस्टेंस में आई है. जनवरी 19 इज द 16th रेजिंग डे ऑफ एनडीआरएफ. एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल है एसएन प्रधान. ये फाउंड हुई है 2006 में और हेडक्वार्टर एनडीआरएफ के हैं न्यू दिल्ली के अंदर. जनवरी 19 को त्रिपुरा ने 42वीं एनिवर्सरी, यानी कि त्रिपुरा है तो अब तक 42nd एनिवर्सरी ऑफ कोक बोरोक डे. कोक बोरोक डे एक्चुअली वहां की एक डायलेक्ट थी जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट घोषित किया गया था. तो इसे 42वीं एनिवर्सरी हो चुकी है इसकी और इसे सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स और कलरफुल इवेंट्स के तौर पर मनाया जाता है. ये देख सकते हैं आप इमेजेस के अंदर. तो जनवरी 19 ये 42वीं एनिवर्सरी है कोक बोरोक डे की. सीएम बिप्लब कुमार देव है त्रिपुरा के, गवर्नर रमेश बायस है, कैपिटल अगरतला है. इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम जो है वो 7वां एडिशन मना रहा है. डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड उनका जो एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है इंडिया स्मार्ट यूटिलिटी वीक, ये मार्च 2 से 5 बना रहा है. इस बार ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन एग्जीबिशन ऑफ स्मार्ट एनर्जी स्मार्ट मोबिलिटी फॉर स्मार्टर सिटीज ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, राइट. तो जो नाम है इवेंट का उसका नाम है इंडिया स्मार्ट यूटिलिटी वीक और ये बना रहा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्जीबिशन ऑन स्मार्ट एनर्जी स्मार्ट मोबिलिटी फॉर स्मार्ट सिटीज ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म. हेडक्वार्टर ISGF के न्यू दिल्ली में है. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है रीना सूरी, वेरी इंपॉर्टेंट. 20 जनवरी को गुरु गोबिंद सिंह जयंती को सेलिब्रेट किया गया. ये मार्क करती है 354th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 10th गुरु ऑफ सिखिज्म गुरु गोबिंद सिंह एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस फेस्टिवल्स अमंग सिक्स. तो जनवरी 20 को ये किया गया, 354th डे था ये. ये रहे गुरु गोबिंद सिंह जी. मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा ने अपना 49th स्टेटहुड डे मनाया है जनवरी 21 को. इन्होंने सीड कर दिया था अक्टूबर 1949 में त्रिपुरा और मणिपुर ने एंड दे वर फॉर्मली प्रिंसली स्टेट्स, लेकिन ये फुल स्टेट्स बने जनवरी 21 1972 में. मेघालय जो है वो ओरिजिनली पार्ट ऑफ असम था बट उसको एक ओरिजिनल स्टेटहुड मिला है अंडर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 में. सो ये आई थिंक इंदिरा गांधी के टाइम पे ये हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं. जनवरी 21 है 49th स्टेटहुड डे. ये तीनों स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, इनका ये है. मेघालय की कैपिटल शिलोंग है. मेघालय बारिशों के लिए जाना जाता है. सीएम कॉन्राड कोंगल सांगमा है, गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं. ये पहले जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे, काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते थे. मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, सीएम एन बीरेन सिंह है, गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है. त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है, सीएम बिप्लब कुमार देव है, गवर्नर रमेश बायस है. सो ये आप कर सकते हैं, त्रिपुरा वाली जो इन्फॉर्मेशन है पिछली स्लाइड में भी आई थी. मीटिंग कॉन्फ्रेंसेज एंड समिट्स की बात करें तो जनवरी 18 को यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने वर्चुअली WHO की मीटिंग के ऊपर प्रिसाइड किया है. ये 148th सेशन था एग्जीक्यूटिव बोर्ड का और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस से उन्होंने डिजिटली प्रिसाइड किया है. इंडिया को ये मौका इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन, मतलब आई थिंक फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम वैक्सीनेशन प्रोग्राम को वो चला रही है. मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि RS शर्मा इस जो पुराने TRAI हेड हैं वो इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के हेड एंड चीफ हैं. ये 10 मेंबर कमेटी है तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं. RS शर्मा फॉर्मर TRAI हेड. तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने डिजिटली चेयर किया है. WHO के हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है. DG टेड्रोस अदनोम है और मेंबर कंट्रीज 194 है. USA ने दोबारा बोला है कि वो WHO ज्वाइन करेंगे. तो आप एक चेक कर सकते हैं कि वेन आर दे रीज्वाइनिंग इट, बिकॉज इट वॉज जस्ट एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन. सो आई थिंक दे हैव रीज्वाइंड इट. डीजी टेड्रोस एधेनोम है. इनके ऊपर एक जो कह सकते हैं कि छवि के ऊपर जो धब्बा लगा है वो ये कि ये CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड होल्डर हैं. कार्ड होल्डर का मतलब है कि इनके लिंक्स हैं बहुत अच्छे चाइना के साथ. दैट्स व्हाई ही वाज एब्जॉल्विंग चाइना ऑफ ऑल द लायबिलिटीज. सो ये कॉन्ट्रोवर्सीज में नाम याद रखें. IIT गुवाहाटी ने 13वां एनुअल एंटरप्रेन्योरशिप समिट उद्गम 2021 15 से 24 जनवरी 2021 को होस्ट किया है. उद्गम जो है वो एक जैसे आप कह ही रहे हैं उद्गम, तो ये एनुअल एंटरप्रेन्योरशिप समिट है IIT गुवाहाटी का, जहां पर मीट करते हैं लोग, डिस्कस करते हैं जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में एग्जिस्ट इंटरेस्ट है, एक्सप्लोर करते हैं, शेयर करते हैं, डिबेट करते हैं एंड स्प्रेड करते हैं आइडिया एंड स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का.
वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैव सेड दैट पीपल हु आर वेल्थ जनरेटर्स जो कि इंडिविजुअल पीपल हैं दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एवरीथिंग कैनॉट बी डन बाई द आईएएस पीपल और सरकारी बाबूस सो दैट इज इक्वली ट्रू क्योंकि हम देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई और एचडीएफसी तो प्रॉफिट्स शो करते हैं बट हमारे जो बैंक्स हैं वो लॉसेज को शो करते हैं ड्यू टू इनएफिशियंट मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ एंड गवर्नमेंट एंड इट्स डेलीगेटेड पावर अथॉरिटीज लाइक आईएएस इनको पॉलिटिकल पर्पसेज के लिए यूज किया जाता है तो ये 13वां एनुअल एंटरप्रेन्योरशिप समिट उद्गम हुआ 15 से 24 जनवरी तक फर्स्ट इंडिया ईयू आईपीआर डायलॉग बिटवीन जो यूरोपियन यूनियन कमीशन और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के बीच में हुआ वो जनवरी 14 को हुआ है जहां पर वेरियस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के डेवलपमेंट्स पे स्टडी हुई है और बात की गई है सो ये फर्स्ट इंडिया आईयूपीआर डायलॉग है ये हेल्ड हुआ है हेडक्वार्टर ईयू के ब्रसल्स बेल्जियम में है प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन देर लेयन है मेंबर कंट्रीज 27 हैं डीपी डबल आईटी वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर इसके हेड जो हैं मिनिस्टर वो हैं पीयूष गोयल जी डीपी आईआईटी न्यू दिल्ली में है और सेक्रेटरी इसके गुरु प्रसाद मोहपात्रा हैं यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बीएस येडियुरप्पा ने ओवरसी की है प्रिपरेशंस एयरो इंडिया 2021 की ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एयरो इंडिया शो होता है जो बेंगलुरु के अंदर होता है ये फरवरी 3 से 5 को हो चुका है और इसकी जो थीम है उसका नाम है रन अवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज इंपॉर्टेंट बात याद रखने की ये है कि ये एक वर्चुअल एग्जीबिशन भी है और एक फिजिकल एग्जीबिशन भी है यानी कि ये कॉम्बो है अब इस चीज से हम क्या सीख सकते हैं जो हमारे एक ह्यूमन साइकोलॉजिकली कि अब कोविड का जो टाइम है वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंसेज मीटिंग्स ये शोज दे आर नाउ प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स बोथ फिजिकल एज वेल एज ऑनलाइन इवन द क्लासेज हैव गॉन फ्रॉम फिजिकल एंड ऑनलाइन बोथ आर हैपनिंग सो वेरी इंपॉर्टेंट जनवरी 20 को इंडिया एंड सिंगापुर ने साइन किया है न्यू इंप्लीमेंटिंग एग्रीमेंट ये सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट और कॉपरेशन देगी बिटवीन टू नेवीज हमें याद रखना चाहिए कि सिंगापुर एशियन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत अच्छी टूरिस्ट कंट्री भी है लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि चाइना साउथ चाइना सी के अंदर अपनी हेजमनी चाहता है तो उसको जो रोक रही हैं कंट्रीज वो हैं वियतनाम सिंगापुर ताइवान राइट ये कंट्रीज हैं अपनी मिलिट्री शोर कर रही हैं कैपेसिटीज तो उसके अंदर ये सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिटवीन टू नेवीज और इंडिया ने रिसेंटली क्वाड को भी एक्टिवेट करवाया है यूएस और इंडिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड में है जापान ऑस्ट्रेलिया यूएसए और इंडिया सो इनकी पावर है जो कि चाइना को चेक में रख रही है बिकॉज चाइना इज ट्राइंग टू बिकम द बिग बुली ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया फिफ्थ डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग है बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर और ये इंप्लीमेंटिंग एग्रीमेंट है ऑन सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट के लिए सो अगर सबमरीन का राशन पानी खत्म हो जाता है तो उसके अंदर ये हेल्प कर सकती है सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर डॉलर है उसका नाम बोलते हैं उसे यूएस डॉलर नहीं है वो डॉलर है सिंपल सिंगापुर की कैपिटल ही सिंगापुर है ली हिसिन लोंग इसके पीएम है प्रेसिडेंट है हलीमा यकोब जनवरी 22 को इंडिया अफ्रीका ट्रेड काउंसिल ने एक न्यू क्राउन प्लाजा स्टार्ट किया है होटल क्राउन प्लाजा ये चेन्नई में स्टार्ट किया गया है ये बिल्डअप करेगा बिजनेस रिलेशन बिटवीन बोथ कंट्रीज तो ये इंडिया अफ्रीका ट्रेड काउंसिल को इनॉग्रेट किया गया होटल क्राउन प्लाजा में राइट सो मैंने पहले थोड़ा गलत बोल दिया था इंडिया अफ्रीका ट्रेड काउंसिल को इनॉग्रेट किया गया है इन होटल क्राउन प्लाजा चेन्नई ये बिल्ड करेगा बिजनेस रिलेशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड अफ्रीकन रीजन जो अफ्रीकन रीजन है वो बहुत रिच है रिसोर्सेज में जैसे कि मिनरल्स हो गए आपके अनटैप्ड मैन पावर में वहां पे जो पॉपुलेशन है अभी उसको पूरी तरह एजुकेशन वगैरह नहीं मिल पाई है इनफैक्ट दे आर बिजी इन सिविल वॉर्स और गोल्ड में डायमंड में राइट सो इस चीज को अगर इंडिया मार्केट करना चाहे तो मार्केट तक में फैलाना चाहे तो डेफिनेटली अफ्रीका कैन बी अ गुड मार्केट फॉर इंडियन businesses and many of the businesses are already there in Africa. So India Africa Trade Council है inaugurate हुई है Hotel Crown Plaza चेन्नई में चेन्नई में आप जानते हैं कि के पलनी स्वामी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित हैं कैपिटल सिटी आपको पता ही है चेन्नई है चेन्नई सुपर किंग से भी बहुत ज़्यादा लोगों को ये बात पता है अवार्ड रिकॉर्ड रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन प्राइजेस की बात करें तो ITC लिमिटेड जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाता है हम सब इसको जानते हैं जैसे हम ज़्यादातर लोग जानते हैं इसको बुक्स के नाम से इनकी वो जो कॉपीज़ हैं वो आती थी जिसमें पीछे अगर आपको याद होगा कि ये 1 रुपीज़ की डोनेशन देने की बात करते हैं गरीब लोगों को तो इसे बेस्ट गवर्न कंपनी एट द 20th ICSCI नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस घोषित किया गया है इसका लिस्टेड सेगमेंट था लार्ज कैटेगरी बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज कंपनी
सो कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, सीईओ संजीव पुरी हैं। जनवरी 16 को यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक को मिला है साहित्य गौरव सम्मान, ये उन्हें हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा ने प्रस्तुत किया है। जनवरी 15 को इनकम्बेंट चीफ कंट्रोलर अमरेश कुमार चौधरी को अवार्ड हुआ है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन, ये उनकी आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन है आर्म फोर्सेज में ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, उसके मद्देनजर इन्हें दिया गया है। तो अमरेश कुमार चौधरी हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। रवि गायकवाड़ जो मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी है और उनको अवार्ड मिला है नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर हिज एब्सोल्यूट स्पिरिट एंड प्रोफेशनलिज्म, ये गो गेटर अकेडमिशियन है, स्पोर्ट्स पर्सन है और फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, ये बॉर्न हुए हैं पुणे सिटी के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है आपके लिए। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी को यूनानिमसली चूज किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट विच मैनेजेस द वर्ल्ड फेमस सोमनाथ टेम्पल एट प्रभास पतन टाउन इन गुजरात गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट, ये सेकेंड पीएम है जो कि होल्ड करेंगे इस पोस्ट को। नरेंद्र मोदी को चूज किया गया एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द फेमस सोमनाथ टेम्पल, तो आप ध्यान रखें। दो मैं इसमें एक पर्सनल पॉइंट आपको कहूंगा कि स्टेट को कभी भी मैनेज नहीं करना चाहिए टेम्पल्स को परमानेंटली, बिकॉज उसमें क्या होता है कि स्टेट के वेस्टेड इंटरेस्ट आते हैं, जहां स्टेट के वेस्टेड इंटरेस्ट आते हैं वहां करप्शन होती है। इसका मैं एक लाइव एग्जाम्पल आपको बनाता हूँ, जगन्नाथ के अंदर, वेंकटेश्वरा टेम्पल्स के अंदर और बड़े बड़े टेम्पल्स जो स्टेट मैनेज करता है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, उसमें वो दो लाइनें रख देते हैं, कभी कभी तो तीन लाइनें, एक वीआईपीस के लिए, एक मेजर जो फाइनेंसर्स हैं उनके लिए जो 2,500 रुपये की टिकट है और जो 100 रुपये की टिकट है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस का भी कचूमर बन जाता है, क्योंकि जो शास्त्र कहते हैं वो ये कहते हैं कि मंदिर में जब आप एंटर हो गए हैं तो यू आर इक्वल, ना आप बड़े हैं ना आप छोटे हैं, राइट, यू आर इक्वल। सो वेदर अ कॉबलर इज कमिंग, वेदर अ रिच पर्सन इज कमिंग, यू शुड स्टैंड इन द सेम लाइन। इट्स नॉट दैट फॉर अंबानी और अडानी सेपरेट भवन और सेपरेट काइंड ऑफ थिंग शुड बी डन, दे शुड गो इन द सेम लाइन, एंड दैट वॉज द ट्रेडिशन राइट फ्रॉम आर एंशियंट टाइम्स, बट सिंस द सेकुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन फ्रॉम 1947 डिफरेंट लाइन्स डिफरेंट लेन्स एंड पीपल बिलीव दैट बिकॉज पॉलिटिशियंस आर होल्डिंग द चेयरमैन पोस्ट इट विल बी गुड, बट ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वी बींग अ सेक्युलर कंट्री दिस इज बैड, दिस सेट्स अ बैड प्रिंसिपल फॉर एफिशियंसी, दिस सेट्स अ बैड प्रिंसिपल फॉर सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड द रिलीजियस बॉडीज ऑल्सो, राइट। तो फंड्स भी टेम्पल्स के यूज किए जाते हैं सेक्युलर पर्पसेज के लिए, तो दैट जस्ट डिसमेंटल्स द होल सिस्टम ऑफ इंडिया पॉलिटिकल गवर्नेंस। जनवरी 18 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीएल बैंक ने अप्रूव किया है रीअपॉइंटमेंट ऑफ विश्ववीर अहूजा एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द बैंक फॉर 3 ईयर्स, ये जून 30, 2021 से जून 29, 2024 तक रहेंगे, ये रीअपॉइंटमेंट हुई है विश्ववीर अहूजा की। आरबीएल बैंक के हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी एंड सीईओ विश्ववीर अहूजा है। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है केआईसी हाउसिंग फाइनेंस सीईओ सिद्धार्थ मोहंती एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन विद इफेक्ट फ्रॉम फेब्रुवरी 1। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने ये अप्रूव किया है टिल हिज सुपर एनुएशन ऑन जून 30, 2023 को। सो LIC के ये न्यू MD है, वेरी इंपॉर्टेंट, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी ये उनका मेन लोगो है। फाउंड हुई है ये 1956 में, रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसमें डिस इन्वेस्टमेंट किया है। जनवरी 20 को यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू को टेम्परली असाइन हुआ है चार्ज मिनिस्टर ऑफ स्टेट का फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये नेसेसरी था क्योंकि श्री प्रसाद येसो नायक जो है वो अंडर गोइंग कर रहे हैं ट्रीटमेंट एट हॉस्पिटल इन गोवा बाद जब उनका एक्सीडेंट हुआ है, सो इनको टेम्पररी चार्ज दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूएंसी अरुणाचल वेस्ट से चुन करके आते हैं। डच प्राइम मिनिस्टर मार्क रटे और उनके एंटायर कैबिनेट ने रिजाइन किया है और इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया स्कैंडल जिसमें चाइल्ड वेलफेयर पेमेंट्स के ऊपर मतलब ये था और इन्होंने रॉन्गली लेबल कर दिया थाउजेंड ऑफ पेरेंट्स एट फ्रॉडस्टर्स। सो मार्क रटे एंड इस एंटायर कैबिनेट रिजाइन टू टेक पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेदरलैंड्स की कैपिटल एम्स्टरडैम है, इसे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एंटायर यूरोप भी बोला जाता है, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉस्टिट्यूशन लीगल की जाती है। करेंसी है इसकी यूरो, यानी कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, यूरोपियन यूनियन में भी 27 मेंबर्स हैं आफ्टर यूके इज लेफ्ट आउट इट। पीएम है मार्क रटे। जनवरी 20 को जो बाइडन और कमला हैरिस को स्वॉन इन करा दिया गया है, ही इज द 46th प्रेसिडेंट एंड शी इज द 49th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द USA एंड ही इज द ओल्डेस्ट पर्सन टू एज्यूम US प्रेसिडेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। जनवरी 19 को लेफ्टिनेंट जनरल चंदी प्रसाद मोहंती जो कि अभी जनरल ऑफिसर कमांडिंग चीफ ऑफ सदर्न कमांड थे, उन्हें 42nd वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ घोषित किया गया है। ये फर्स्ट ओडिया ऑफिसर हैं जिन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी घोषित किया गया है।
ये लेफ्टिनेंट एस के सैनी से लेंगे कमांड जब वो रिटायर करेंगे जनवरी 31 को, यानी कि ये आप इंपॉर्टेंट रख सकते हैं किसको टेक किया है किसके ऊपर जाएंगे ये। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन आर्मी न्यू दिल्ली में है, चीफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, वाइस चीफ हैं चंडी प्रसाद मोहंती। बांग्लादेश के स्टेट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स मोहम्मद शारियार आलम हैज रिसीव द न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक तेंजिन लेकपेल। तो इन्हें अब इन्होंने इनको इनका जिसे कह सकते हैं कि आप ये आए हैं और इन्होंने रिसीव किया है बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल को, और तेंजिन लेकपाल हैं उनका नाम। बांग्लादेश की करेंसी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, पीएम है शेख हसीना, प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद। वेरी इंपॉर्टेंट, बिम्स्टेक की मेंबर कंट्रीज ध्यान रखें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये एक एक्चुअली एक तरीके से सार्क जो है, मैं आपको इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बता देता हूँ। सार्क चल नहीं पा रहा था बिकॉज उसमें पाकिस्तान जो है वो इंडिया से कोई हेल्प चाहता ही नहीं है। वो चाहता है कि इंडिया का प्रोडक्ट पहले दुबई चला जाए और फिर वहां से आ जाए, तब हम इस कंट्री का हम कुछ ले सकते हैं, राइट। बीच बीच में जो बॉर्डर ट्रेड है वो भी स्थगित हो जाती है बिकॉज कभी भी कोई धमाका हो जाता है। पाकिस्तान ने सार्क के कई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स को ब्लॉकेट कर दिया था बिकॉज आपकी सात सार्क फाउंड हुआ है उससे भी पहले, बिम्स्टेक से पहले 1985-1984 में। तो इसको काउंटर करने के लिए इंडिया की प्रेरोगेटिव के अंदर ये बिम्स्टेक बना है। तो इसमें इन्होंने देखिए आप पाकिस्तान को आउट कर दिया है और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर ऑफ सार्क नेशंस एक्सेप्ट आई थिंक मालदीव्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। इंग्लिश में ही वीडियोस अपलोड होंगे, इसी स्पीड पे अपलोड होंगे। मैं करंट अफेयर्स का भी आपके साथ एमसीक्यू का सीजन बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा एंड देन इट विल बी रेगुलर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।